भाजपा केंद्र सरकार ने किसानों के हितों में अनेकों योजनाएं संचालित कर रखी हैं। सरकार की मंशा किसान के पांव मजबूत करना है और किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। वहीं सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सब्जी मंडी में किसान मंडी भी खोली, जिसमें किसान अपनी फसल को खुदरा भाव में बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। इतना ही नहीं, मंडियों में किसान भवन भी बनाए गए ताकि किसान को किसी तरह की परेशानी न हो सके और उसको रुकने की व्यवस्था हो और साथ में 5 रुपए में भरपेट भोजन भी मिले। इतना ही नहीं, फसल बीमा योजना, समर्थन मूल्य और फसलों की खरीद और ऑनलाइन फसलों का बेचान, यह सब प्रयास इसलिए कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमने जाकर देखा कि अलवर की सब्जी मंडी में बात की किसानों से और जाने उनके हाल। अलवर की सब्जी मंडी, जहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में किसान सब्जियां बेचने आते हैं, सरकार ने मंडी में किसान मंडी तो बना दी, उनके लिए अलग से फड़ भी बनाया गया, लेकिन किसानों के लिए बनाए गए इस फड़ का लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार का उद्देश्य है कि किसान मंडी में किसान स्वयं अपनी फसल को खुदरा रेट पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाए, लेकिन यहां तो स्थानीय दुकानदारों ने कब्जा जमा रखा है। सरकार किसानों के हितों की तो बात करती है, लेकिन किसानों की मांग है कि सब्जियों पर भी समर्थन मूल्य तय किया जाए। जिस तरह मध्य प्रदेश में प्याज के लिए समर्थन मूल्य सरकार ने 8 रुपए रखा हुआ है और काश्तकारों का प्याज अगर मंडी में 6 रुपए किलो बिका तो 2 रुपए की भरपाई मध्य प्रदेश सरकार करती है, लेकिन राजस्थान में यह भावांतर नगद भुगतान की योजना ना होने के चलते किसानों को सस्ते भाव में फसल बेचनी पड़ रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा किसान भवन तो बनाए गए, जिसे कई वर्ष हो गए, लेकिन आज तक उसके ताले तक नहीं खुले। सब्जी मंडी में महिलाएं भी हैं, बाहर से आने वाले किसानों के लिए मंडी में कोई शौचालय तक नहीं है और चारों तरफ गंदगी का आलम है। अलवर सब्जी मंडी में किसानों की अनेकों बातें सामने आई। मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सब्जियों में समर्थन मूल्य तय हो और मंडी में स्टॉक के लिए यार्ड की सुविधा हो, जिसमें फसल को रखा जा सके और उचित भाव मिलने पर बेचा जाए। साथ ही फसल को जर्मिनेशन से रोकने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए जाए और यहाँ कहने को ऑनलाइन खरीद की जाती है, लेकिन यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे में सरकारी योजनाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है। किसान मजबूर है अपनी फसल औने पौने भाव में बेचने को और सरकार किसान की दोगुनी आय करने के प्रयास में लगी है। इसमें जिम्मेदार विभागों को अभी और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नजर आती है। भारत के प्रधानमंत्री ने जब प्रथम बार ये कहा था कि वो भारत के किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, तो उससे किसानों में एक ललक जगी और ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति किसानों के बारे में सोचने की बात कर रहा है। लेकिन भारत के किसानों की स्थिति बड़ी दुर्लभ है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन अलवर जिले और भरतपुर जिले की जानता हूँ। यहाँ पर मुख्य रूप से कई फसलें होती है, जैसे प्याज कहते हैं, टमाटर कहते हैं, बैंगन कहते हैं, भिंडी कहते हैं, ये प्याज बहुत तादाद में सब्जियाँ होती हैं। इन सब्जियों के लिए जब किसान प्याज बीज लगाता है तब कोई गारंटी नहीं होती है। कई तरह की कंपनियां बाजार में आती है और वो अपना बीज बेचकर चली जाती है और जिन बीजों की अच्छी फसल पैदा नहीं होती, जिससे किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पर नैफेड सरकार के द्वारा से एक प्रमाणित बीज बेचती है, उस बीज के माध्यम से जब किसान उसको लगाता है तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फसल नहीं होती है। ये भी सत्य है, कई बार जब हम इसकी चर्चा कृषि पर्यवेक्षक से करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग कानूनी प्रक्रिया में जाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। किसान अगर कानूनी प्रक्रिया में जाता है तो वो अपना काम नहीं कर पाता है। इसलिए सबसे पहले तो भारत के किसानों के बारे में अगर सोचा जाए तो उनके लिए एक प्रमाणित बीज, उच्च क्वालिटी का बीज अगर जब तक उपलब्ध सरकार नहीं कराएगी तब तक उन्हें अच्छी फसल नहीं मिल पाएगी। राजस्थान में किसी भी तरह का ऐसा कोई समर्थन मूल्य तय नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 रुपए किलो प्याज की रेट तय की थी और उस 8 रुपए किलो भावांतर का पैसा उन्होंने दिया था। वो मंडी में जाता है, उनकी फसल अगर 5 रुपए बिकती तो 3 रुपए किलो का वहाँ का पटवारी, वहाँ का गिरदार, वहाँ का किसी पर्यवेक्षक उस व्यक्ति के खाते में जो माल वो बेच के आता है 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो का जो उसे कम पैसा मिलता है सरकार उनके खाते में सीधा ट्रांसफर करती है, जिसका लाभ मिला। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सरकार का मंडी समिति का कोई नियंत्रण नहीं है। मंडी समिति में यहाँ जो किसान माल बेचने आता है उसका माल बिका कि नहीं बिका, उसको बैठने की जगह है कि नहीं है, उसे पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के किसानों के ऊपर सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। जब तक यहाँ पर भावांतर का पैसा किसान को नहीं मिलेगा तब तक यहाँ का किसान की आय दुगनी होना संभव नहीं है। किसान भवन के हालात ये कि जिस दिन से जैसा बना है वो वैसा का वैसा ही। मुझे याद है राजस्थान की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा सिंधिया जी ने एक बार जब किसान भवन की स्कीम चलाई थी तब मैं राजस्थान के किसान भवन जयपुर को उद्घाटन में गया था। उनकी मंशा थी कि उनका किसान जब गांव से चलकर आए और बहुमंजिलीय शहर में जब इमारत देखे तो उसे ऐसा नहीं लगे कि मैं कमजोर हूँ। वो लोग रात्रि में विश्राम ऐसी जगह करे जिसको उसको सारी सुविधाएं मिले। उसके लिए उनकी मंशा थी कि किसान रात्रि में माल लेके आता है, वो किसान भवन में आराम से सोए, वहाँ वाजिब दर पर भोजन करे, वहाँ नहाए धोए, उसके बाद
खाद मंडी में आके अपना हिसाब लें। यहाँ का किसान भवन बने हुए लगभग 7 साल हो गई है, आज तक उसके दरवाजे नहीं खुले हैं। वहाँ पर रिपेयरिंग 3-3 दफे हो गई है, लेकिन वहाँ किसानों की एंट्री नहीं है, मंडी प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे रिटेलर वाले जो आते हैं वो माल यहीं से खरीदते हैं, फिर यहीं बेचते हैं। जमींदारों को नहीं है कि जैसे जमींदार का सही दाम मिले, और अगर नहीं मिल रहा है, बोली पे नहीं बिक रहा है, तो जमींदार खुद बैठ के बेच सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। जिस हिसाब से सरकार का चल रहा है, उस हिसाब से तो लग नहीं रह रहा, क्योंकि कोई प्रशासन की व्यवस्था, जैसे मंडी के प्रशासन होता है, सेक्रेटरी वगैरह का, कुछ नहीं है।